एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। हेलो एवरीवन। तो शादीवादी के प्रोग्राम से अच्छे से निपट गए हैं और उसके बाद में हम लोग चले गए थे उदयपुर। हाँ, क्या हो? शादी वादी वाला नहीं चलेगा। और उसके बाद में मैं गई थी उदयपुर। तो उदयपुर का तो मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी और इतना बिजी शेड्यूल चला था क्योंकि बहुत रिलेटिव के घर पे हमको मिलने के लिए जाना था। और अभी हम जा रहे हैं मेरे ससुराल, ठीक है। और जैन साहब जा रहे हैं उनके पीहर और मैं जा रही हूँ मेरे ससुराल। तो आपको जब आप पहुँचोगे तो फिर मैं बताऊँगी कि किस तरीके का है मेरा ससुराल, कैसा है हमारा घर, अच्छे अच्छे व्लॉग जो है वहाँ पे, वीडियो जो है वो कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। तो ये है हमारे गांव के आसपास का नज़ारा जो बहुत ही बढ़िया था, इतना अच्छा लग रहा था। भले बाहर तीखी धूप थी लेकिन मतलब बहुत अच्छा, मन को दिल को सुकून मिल रहा था। इतनी ग्रीनरी, क्योंकि बॉम्बे में तो मतलब जैसे ही बाहर निकलते हैं ना तो इतनी भीड़ भाड़, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये सब, और इतनी खाली खाली जगह जो है वो बहुत टाइम बाद दिखने मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे पेड़ पौधे, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मुझे दिख रहे थे वो थे आम के पेड़ और खजूर के पेड़। और मतलब जाते जाते जैन साहब ने अपनी बहुत सी पुरानी जो स्टोरियाँ थी ना वो हमारे साथ में शेयर करी थी कि स्कूल के टाइम पर वो कैसे यहाँ पर मस्तियाँ करते थे उनके फ्रेंड्स के साथ में, और खजूर तोड़ते थे, आम तोड़ते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने शेयर करी हमारे साथ में, और वो चीज़ें हमने बहुत मिस करी। फाइनली बहुत घूमते घूमते अब हम पहुँचने वाले हैं अपने गाँव। तो फाइनली पहुंच गए थे घर पर, और बाऊ जी घर पर ही थे, मम्मी जी शायद कुछ काम से बाहर गए हुए थे। 5-10 मिनट बाद में वो भी खैर आ गए थे, लेकिन बाऊ जी तो इतने खुश हो जाते हैं जब वो परिवहन को देखते हैं ना, इतने ज़्यादा खुश हो गए थे। और ये वीडियो जो है वो मैंने मतलब जस्ट एंट्री करी थी उस टाइम पर नहीं बनाया था, ये मैंने बनाया था करीबन 15-20 मिनट बाद की बात थी ये, उस टाइम पर मैंने बनाया था क्योंकि आते में तो मोबाइल जैसे हाथ में लेना और ये सब अच्छा भी नहीं लगता है, ऑकवर्ड लगता है मुझे बहुत। बाऊ जी के सामने तो मुझे बहुत शर्म आती है। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अरे आ जाइए रिहान, यहां इनमें पैर नहीं लगे, मेरी फोन मत इनके लेसन ले सर के हुई हुई आ जाओ, जाओ ऊपर जाओ। मम्मा मुझे दे दो केंद्र। हां तुझे दे दो। तो फाइनली पहुंच गई हूं अपने ससुराल, और उस कुछ टाइम बाद में आपको घर जो है वो दिखाऊंगी क्योंकि अभी जस्ट एंट्री हुई है और अभी मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है वीडियो बनाना। अभी बाबूजी उधर है। अच्छा, होता क्या है ना कि सिटी में यदि हमारे घर पर कोई भी आता है, कोई भी जाता है ना, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गाँव में क्या होता है कि जैसे ही कोई भी गाड़ी आके रुकती है ना, अननोन गाड़ी मतलब जो बहुत टाइम बाद दिखी है ना, तो आसपास के बहुत से लोग जो है वो देखते हैं और उस टाइम पर बहुत शर्म आती है। तो हमारे साथ में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था कि गलियाँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सकड़ी थी, पतली गलियाँ थी, और उस बीच में जैसे ही हम लोग गाड़ी लेके आते हैं ना तो बहुत सारे लोग जो है वो देखने लग जाते हैं, और ऐसे में फिर मुझे ना वीडियो बनाने में बड़ी शर्म आती है। और सोच तो रही थी कि मैं जैसे ही एंट्री लूँगी तब भी बनाऊँगी, बच्चों को भी मैंने बिल्कुल उनका माइंड सेट किया हुआ था कि क्योंकि ना मैं सबका वीडियो तो मैं बना लेती हूँ लेकिन मेरा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं होता है, तो मैंने स्पेशली परिवहन को बोला था कि बेटा तुम लोग ना मेरा वीडियो ज़रूर बनाना। अच्छा, हम आने वाले हैं ना, तो ये बात मम्मी जी बाबूजी को पहले ही पता थी, तो मम्मी जी ने कुछ सूखे नाश्ते बना के रखे थे, और इसके अलावा आते टाइम हम भी कुछ फ्रूट्स और सब्जियां जो थी वो भी साथ में लेकर आए थे। और यदि आपने पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो मैंने बताया था कि हमने वलसाड़ से बहुत सारी मैंगो ली थी, लेकिन वो हमने मेरी ननंद के वहीं पर दे दी थी क्योंकि यहाँ आते आते हमको पता है बहुत लेट हो जाएगा। तो पहुँच गए थे हम लोग, करीबन 1 घंटा हो गया है और आए एक्चुअली लेट ही थे, तो बस आने के कुछ देर मम्मी जी ने कुछ स्नैक्स जो है वो बना के रखे हुए थे, पपड़ी वगैरह ये सब, तो वो सब हमने खाई, चाय बना के चाय पी। और अभी मम्मी जी परी को लेकर बाहर पानी लेने के लिए गई है क्योंकि पानी का यहाँ पर इशू रहता ही है, और मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पर, ठीक है। तो मैं क्या बना रही हूँ वो आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो मैं बना रही हूँ एकदम ताज़ा भिंडी की सब्ज़ी, और ये भिंडी मम्मी जी ने जो खेत से तोड़ के आती है ना कुछ लेडीज़, तो वो बेचती है यहाँ पर, तो उनसे ली थी उन्होंने। तो ये जो भिंडी है ना वो दिखने में चाहे कैसी भी हो, कलर कैसा भी हो, लेकिन टेस्ट जो है ना वो उसका बहुत मज़ेदार होने वाला है। और साथ में यहाँ पर बन रहे हैं ये है चावल, और इधर मम्मी जी ने दाल बना के रख दी थी और मैंगो जूस जो है वो बना के रख दिया है। तो आज का जो डिनर होगा वो होगा भिंडी की सब्ज़ी, दाल, चावल और मैंगो का जूस। और अभी बस मैं आटा जो है, आज आटा जो है ना वो परी ने लगाया, परी बड़ी जोश में आ गई थी तो उसने आटा लगा दिया है, और अभी बस पहले फटाफट से ये चावल वगैरह बन जाए और सब्ज़ी बन जाए, फिर मैं बना दूँगी फटाफट से रोटी। किचन जो है वो काफ़ी छोटा है लेकिन काम करने में बड़ा मज़ा आता है।
और मम्मी जी जो है वो लग गए थे अपने काम पर। एक्चुअली पास में ही आटा चक्की घर के बिल्कुल पास में ही है, एक ही दीवार है, लेकिन जब थोड़ी सी क्वांटिटी में चीज़ पीसनी होती है ना तब ये अपना ये जो पुराना इंडियन जुगाड़ है वो निकाल देते हैं और इसी के अंदर वो पीस लेते हैं। तो थोड़ा सा बेसन चाहिए था तो उन्होंने बेसन जो है वो पीसा। और ये जो क्लिप है ये है जब हम रवाना हो रहे थे फिर से, मतलब गाँव से मुंबई के लिए ना, उस टाइम का क्लिप है। तो हम करीबन पूरे ही 2 दिन वहाँ पर रहे थे, लेकिन उस बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सोचती बहुत हूँ लेकिन पूरा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जैसी सिचुएशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करने होते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि हम 2 ही दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं और उस 2 दिन के अंदर भी यदि मैं दिन भर मोबाइल लेके बैठूंगी ना तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं सारा का सारा टाइम जो है वो अच्छे से, हम जितना भी टाइम वहाँ पर रहें तो अच्छे से इन्जॉय करें और उनको दे पाए, मतलब। तो यही चीज़ें थी, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करी तो थी और मुझे लास्ट में बहुत लग भी रहा था कि काश मैंने रिकॉर्ड किया होता था। रात को हम लोग मतलब छत पे सोते थे और कैसे मतलब पूरे दिन घर के अंदर काम करना और कुएं से पानी लेकर आते थे, बच्चे मम्मी जी के साथ जाते थे, हेडपम्प से पानी लेकर आते थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने इंजॉय तो करी लेकिन आपके साथ में शेयर करना मैंने मिस कर दिया था। और ये बस हम जब जा रहे थे ना तो बहुत मतलब लंबा रूट है गाँव से मुंबई का, करीबन 15-16 घंटे का है ना। तो जब जाते हैं तो फिर जो कुमकुम की बिंदी वगैरह होती है ना तो वो लगाते हैं और साथ में कुछ ना कुछ हाथ में पैसा ज़रूर देते हैं। तो बस उसी के लिए हम लोग आनाकानी कर रहे थे कि बिंदी आप लगा दो लेकिन पैसा वगैरह मत दो, लेकिन वो मानते नहीं है, थोड़ा बहुत तो वो हाथ में रखते ही है, क्योंकि खाली हाथ जो है वो बिंदी, मतलब बिंदी लगाने के बाद में खाली हाथ जो है वो नहीं रखते हैं। तो बस अभी हम निकल गए हैं अपने मुंबई जाने की ओर, और अब जो आगे का वीडियो आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा मेरे मुंबई के घर पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो फाइनली आ गए हैं घर पर। और कल आए थे, कितने बजे आए थे, कल घर पहुंचते पहुंचते बज गई थी 5, और अभी कुछ भी वीडियो जो है वो शूट नहीं हो रहे हैं क्योंकि थकान भी है और घर की हालत जो है वो भी अस्त व्यस्त हो रही है। अभी कुछ देर पहले ही सब जने उठे हैं, मैं तो उठ गई थी सुबह ही और कुछ सामान मुझे लेके आना था, सब्जी वगैरह ख़त्म हो गई थी तो मैं नीचे गई सब्जी वगैरह लेकर आई। और अभी जैन साहब बच्चे सब उठे हैं, उन सबको मैंने बना के दी है चाय। और जब बाहर से आते हैं ना पता नहीं काम की रूटीन जो है वो मेरी बनने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अभी किचन के अंदर गई हूँ, क्या क्या काम मैंने किया है वो मैं अभी आपके साथ में शेयर करती हूँ। और तो घर पहुंचते ही लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पर, तो अभी बस फटाफट से मुझे करनी है लंच की तैयारी क्योंकि जैन साहब को जाना है शॉप पर, 6 से 7 दिन की छुट्टी उन्होंने भी अपनी शॉप से ली थी तो उनको भी जल्दी जाना था और मुझे भी फटाफट से अपने घर के काम निपटाने थे। तो सबसे पहले तो मैं किचन का काम है वही निपटा दूँगी। तो खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ ये वाली मिर्ची, तो इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ में आज शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये बरवा बेसन मिर्ची की जो रेसिपी है वो मैंने आपके साथ में पहले कई बार शेयर की हुई है, लेकिन मेरे को सिर्फ आपके साथ में नहीं मिर्ची शेयर करनी थी क्योंकि ये वाली मिर्ची है ना वो सिर्फ हमारे उदयपुर उसके आसपास के साइड में ही मिलती है। और यदि आपने भी खाई है या आपके एरिया में भी मिलती है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी ये मुंबई में तो बिल्कुल भी देखने नहीं मिलती है। तो जब भी मैं वहाँ जाती हूँ और यदि इस सीज़न में वहाँ पर मिलती है ना तो मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। तो इसकी बरवा बेसन वाली मिर्ची बनाऊँगी, साथ में मैंने बनाई है कढ़ी मूँग की दाल की खिचड़ी। तो बस ये हमारा था लंच, तो खाना मैंने बना के रख दिया है, जैन साहब खाना खा के चले गए हैं और अभी मैं फटाफट से थोड़े बहुत काम जो है वो और निपटा दूँगी। तो अभी जो मैं काम कर रही हूँ ना वो मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला काम कह सकते हैं या फिर वो कह सकते हैं कि जब आप कहीं भी बाहर जाके आते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जिस काम को करने में आपको आलस आता है ना वो यही वाला काम है, तो वो है बैग को अनपैक करना। तो वैसे तो मैं अभी कुछ भी मतलब कपड़े वगैरह धोने नहीं वाली हूँ, लेकिन अभी मैं जो कपड़े हैं ना एक्चुअली हम 6-7 दिन के लिए गए थे लेकिन मैं ना 1-2 जोड़ी कपड़े हमेशा एक्स्ट्रा लेके ही जाती हूँ, बच्चों के भी लेके जाती हूँ और हमारे भी लेके जाती हूँ। तो क्योंकि अभी कैसा है ना बारिश का मौसम आया तो नहीं है लेकिन वहाँ राजस्थान में कैसा कि कभी भी बारिश हो रही है, तो मुझे लगा कि 1-2 जोड़ी कपड़े जो है एक्स्ट्रा रख देने चाहिए। तो कुछ कपड़े ऐसे थे जो हमने पहने ही नहीं थे, जैन साहब की भी 2 जोड़ी ड्रेसेस जो थी वो बच गई थी जो उन्होंने पहनी नहीं थी, और मेरी भी 2 साड़ियाँ एक्स्ट्रा थी और बच्चों की भी कुछ 1-1 जोड़ी कपड़े पड़े थे। तभी मैं सोच रही हूँ कि वो जो कपड़े पहने नहीं है उनको निकाल के और मैं वार्डरोब के अंदर अरेंज कर देती हूँ। और इसके अलावा कुछ कपड़े जो है वो हाथ से धोने के हैं, कुछ क्या मतलब मैक्सिमम कपड़े हाथ से ही धोने के हैं क्योंकि नए नए कपड़े हैं, और कुछ कपड़े जो है वो मशीन में डालने के हैं। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को सेग्रीगेट कर लूँगी, धोने वोने का काम अभी नहीं करने वाली क्योंकि आज वैसे भी घर में बहुत सारा काम मुझे निपटाना है क्योंकि मेरी मैट भी नहीं आ रही है, झाड़ू पोछा भी करना है और किचन का भी काम करना है। और इसके अलावा शादी में गए थे तो बहुत सारी ज्वेलरीज भी थी और परी की भी एसेसरीज वगैरह थी, तो बस उन सब चीज़ों को मैं अरेंज कर दूँगी।
शादी में गई थी ना तो फ्रीज चेक तो किया था मैंने, लेकिन ना मतलब थोड़ी सी लापरवाही मेरे से हो गई, थोड़ा सा मेरे पास में पपाया पड़ा था और मैंने सोचा कि निकलने के पहले हम लोग खा लेंगे उसको, और बिल्कुल माइंड से निकल गया और इतना अच्छा पपीता था एकदम फ्रेश और मीठा मीठा, तो वो मैंने फ्रीज के अंदर ही ले लिया। तो अभी आज मैं वापस से फ्रीज से वो देख रही थी ना तो मुझे पपीता मिला, तो मैंने पता ही क्या किया, उसको खा तो नहीं सकते, मैंने उसकी बना दी अच्छे से प्यूरी, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, अच्छे से उसको पहले छील दिया और ग्राइंडर में उसको अच्छे से उसका पेस्ट बना दिया, एकदम फाइन से उसकी प्यूरी बन गई। और फिर उसके अंदर मैंने ना एक चम्मच भर के दही डाल दिया, तो ये बन गया अच्छा सा हेयर पैक। अच्छा, मेरे पास में अभी मेरी किसी प्यारी से सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप हिना का एप्लीकेशन कैसे करते हैं अपने बालों में, तो पूरा वीडियो बनाना। तो हिना का एप्लीकेशन तो मैं जब करूँगी, जब आपके साथ में शेयर ज़रूर कर दूँगी, लेकिन अभी मैं जो पपाया का हेयर पैक लगा रही हूँ वो कैसे लगाती हूँ वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो सबसे पहले कोई भी जब मैं हेयर पैक अपने बालों में लगाती हूँ ना, तो सबसे पहले बालों को अच्छे से कॉम ज़रूर करती हूँ, तो एक तो बालों के गुच्छे अच्छे से निकल जाते हैं और बालों के अंदर जो सर्कुलेशन है ना स्कैल्प का वो अच्छा से हो जाता है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में यदि आप कोई भी हेयर पैक लगाते हैं ना तो वो अच्छे से बालों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर दिया है और बालों को टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करने के बाद में बस रैंडमली जैसा आपको लगाना आता है वैसे लगा दो। ज़रूरी नहीं कि जैसे पार्लर के अंदर एकदम प्रोफेशनल तरीके से लगाते हैं वैसे आपको अप्लाई करना है, बस अच्छे से आपको पूरे स्कैल्प के ऊपर भी एप्लीकेशन करना है और बालों को मतलब उसकी स्कैल्प से लेके रूट तक अच्छे से उसका हेयर जो हेयर मास्क है ना वो अच्छे से लगा देना है। और बालों को मैं एक थोड़ा थोड़ा सा ना पार्टीशन करके फिर लगा रही हूँ ताकि बिल्कुल अंदर तक जो मैंने ये लगा बनाया ना हेयर पैक वो अच्छे से बालों के अंदर चला जाए, क्योंकि इतनी तेज़ वाली गर्मी भी पड़ रही थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बालों के अंदर हेयर पैक लगाऊंगी ना तो जब तक घर के काम होंगे तब तक ये हेयर पैक भी बालों के अंदर अच्छे से लग जाएगा और मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी। तो पूरा ही हेयर मास्क बालों के अंदर लगा दिया है, और उसके बाद में मुझे शॉवर कैप लगानी थी लेकिन मैंने ढूंढी मुझे मिली नहीं, कहाँ पड़ी हुई है, तो फिर लगा दिया मैंने अपना देसी वाला जुगाड़, पॉलीथीन पड़ी थी वो अपने बालों में लगा दी है। और इससे लगाने से क्या होता है कि हेयर पैक जो है ना वो बहुत जल्दी सूखता नहीं है और अच्छे से डीपली वो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि जितनी देर वो गीला रहेगा ना उसका अच्छे से असर रहेगा। और उसके बाद में थोड़ा सा बच गया था तो वो मैंने अपने फेस के ऊपर लगा दिया है, और उसके बाद में अगेन मैं लग गई हूँ अपने काम पर। ये सारे अरेंज कर देती हूँ, और इसी बहाने मैंने थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल जो है ना वो भी क्लीन हो जाएगा। सबके अलग अलग बॉक्स बना के लेके गई थी मैं, जैसे कि बैंगल्स जो है ना, बैंगल्स का देखो ये मेरा बैंगल्स का बॉक्स था, इसके अलावा परी का अलग था, मेरा अलग था, ज्वेलरी का अलग था, बैंगल का अलग था, मेकअप का अलग था। तो अभी इन सबको फटाफट से अरेंज कर देती हूँ, और जब तक मेरा ये सिर का जो है ना ये भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ड्राई मतलब मुझे एक घंटा तो रखना ही है, कोई भी पैक लगाती हूँ तो एक घंटा। तो सुबह से उठ के जब मैं काम कर रही थी ना तो मुझे इतनी तेज़ वाली गर्मी लग रही थी तो काम करने का मन नहीं हो रहा था, और अब जब मैंने बालों के अंदर एकदम ठंडा ठंडा सा पपीता था ना वो अपने बालों में लगाया तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब काम की जो एनर्जी का लेवल था ना वही जैसे डबल हो गया था। तो अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था काम करने में, तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अरेंज भी कर दी थी, और इसी के साथ में ही मेरी जो पूरी ड्रेसिंग टेबल है ना उसकी भी क्लीनिंग हो गई थी, क्योंकि चीज़ें तो मुझे रखनी थी और मैंने सोचा जब रख ही रही ना तो जो डस्ट वगैरह वहाँ जमी जाती है, भले उसका गेट है ये सब कुछ है लेकिन डस्ट जो है ना वो तो अंदर जमती है, तो मैंने मतलब अच्छे से कपड़े से उसकी क्लीनिंग भी करी थी और सारे सामान जो है वो भी अच्छे से जमा दिए थे। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी थी ना जो मैं यूज़ में नहीं ले रही थी या फिर ख़त्म भी हो गई थी तो उसको मुझे डिस्कार्ड करना था, तो वो काम भी मैंने साथ में कर लिया। तो वैसे तो दिखने में तो बहुत कम टाइम का वीडियो है लेकिन ये सब काम करने में मुझे घंटों लग गए थे, मतलब सिर्फ ड्रेसिंग टेबल और अपनी जो वार्डरोब है ना उसको थोड़ा बहुत मुझे व्यवस्थित करने में 2 घंटे लगे थे, लेकिन लग यूँ रहा है कि जैसे 5-10 मिनट में काम हो गया, लेकिन बहुत टाइम लगा था। तो चलिए, आज का तो मेरा पूरा दिन इसी तरीके से निकलने वाला है, बहुत छोटे मोटे काम जो वो चलते रहेंगे, और वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।